हेलो फ्रेंड्स, आज विजयलक्ष्मी किचन में बन रही है एक सोलापुर स्पेशल संगम बड़ा, एकदम आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी। इस रेसिपी का सारा सामान लगभग घर पे ही अवेलेबल होता है, तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं सोलापुर स्पेशल संगम बड़ा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब एक छोटा चम्मच हींग डाल देंगे और उसमें 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, साथ ही उसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज भून जाएगी तब उसमें एक छोटा चम्मच हल्दी और 3 से 4 बॉइल्ड आलू को मैश करके डाल देंगे और साथ ही नमक भी स्वाद के अनुसार डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को धीमी आंच पर थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे और फिर ढक कर 5 मिनट के लिए उसे पका लेंगे। फिर बाद में उसे कुछ हरे धनिया की पत्तियां डालकर हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। 2 से 3 पीस हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियां, थोड़ा हरा धनिया और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा पानी डालकर हम बारीक पीस लेंगे। इससे हमारी हरे धनिया की चटनी तैयार हो जाएगी। एक बाउल में 1 कप बेसन, 1/2 कप चावल का आटा डालकर छान लेंगे। फिर 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच हींग और नमक स्वाद के अनुसार डालकर मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर थोड़े समय के लिए। अब 2 पाव लेकर उन्हें बीच में से काट लेंगे और एक तरफ हरी चटनी और एक तरफ टमाटो सॉस लगा लेंगे। फिर उसमें 1 छोटा चम्मच आलू की स्टफिंग को अच्छे से चारों तरफ फैलाकर उसे बंद करके प्रेस कर देंगे। अब जो हमने पाव स्टफ करके रखा था उसको बेसन में पहले चारों तरफ से अच्छे से डिप करेंगे और फिर पूरे पाव को डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गरम होना चाहिए और गैस को हमें धीमा रखना है। पाव को कढ़ाई में डालने के बाद हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर बाद में तेज गैस पर उन्हें क्रिस्पी कर लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब हम सारे संगम वड़ा ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब हम चलिए संगम वड़ा को सर्व करते हैं। इसके लिए एक अलग ही तरीका है। संगम वड़ा को पहले हम 4 कट लगा देंगे और फिर उसमें हरी चटनी डाल देंगे जो कि अंदर तक चली जाए। फिर बाद में उसमें टमाटो सॉस भी डाल देंगे, उसे भी अंदर तक ही जाना है। और फिर उसके ऊपर भुजिया डालकर या फिर हरा धनिया या फिर हरी मिर्च डालकर आप उसे सर्व कर सकते हैं। लीजिए, बनकर तैयार है हमारा संगम वड़ा। इसका टेस्ट एकदम खट्टा मीठा होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। जय श्री राम।